गुजरात सीमेवरील बेडकीपाडा सीमा तपासणी नाक्यावरील वेब्रिज मार्फत ट्रक मालक आणि चालकांची सर्रास लूट सुरू असल्याचा आरोप ट्रक मालकांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. नवापूर सीमा तपासणी नाक्यावर एकूण 24 बूथ आहेत. या ठिकाणी वजन काट्यामध्ये ट्रक मागे 400 ते 450 किलोने वजन वाढते. यामुळे ट्रक मालक आणि चालकांना दंडापोटी 50,000 अधिकचा फटका बसत आहे. हा ट्रक याच चेकपोस्ट नजीकच्या कुठल्याही खासगी वेब्रिजवर मापन केल्यास त्याचे वजन 400 किलोने कमी येते. ही बाब संशयास्पद असल्याचा आरोप आहे. सद्भाव कंपनी जो वेब्रिज का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ है. उसका काटा 400 से 500 किलो और लोड है और महाराष्ट्र के अलावा इंडिया के कोई भी स्टेट में ये कांटे की सिस्टम ही नहीं है और वो कांटा के हिसाब से 200 किलो का 52,000 रुपया इतना ज़्यादा जुर्माना लेते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में सब जगह होल्डिंग का चार्ज सेम रहता है. तो 200 किलो में इतना बड़ा चार्ज क्यों और वो भी गलत तरीके से. हमारी गाड़ी तो अंडर लोड ही है, ओवरलोड है ही नहीं. दूसरे दो काटे करवा लो आप, अगर सही निकलेगा तो हम दंड भरने के लिए तैयार है. लेकिन हमारी कंप्लेन ये है कि ये जो सिस्टम है वही गलत सिस्टम से यहाँ महाराष्ट्र में वेब्रिज हो रहा है और उसका हर गाड़ी के पीछे 200 रुपया चार्ज लिया जाता है. जबकि हमने तो हमारा वेब्रिज हमारे पास रहता ही है. अगर उनको डाउटफुल है तो उसका चार्ज वो चुकाए, हम क्यों चुकाए. ये सब कहाँ पे चल रहा है? ट्रांसपोर्ट व्यावसायिक वाहनांमध्ये क्षमतेनुसार माल भरतात. आमचे वाहन अडवल्यानंतर आम्ही सद्भाव कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांसमवेत 15 मिनिटांच्या आत हरकत घेतली. मात्र हरकतींकडे दुर्लक्ष करून दंडात्मक कारवाई कायम ठेवली. त्यांच्या ताब्यातील आमच्या वाहनांची त्यांनी इतर खासगी वेब्रिजवर वजन केल्यावर जर ते जास्त निघाल्यास आम्ही दंड भरू, मात्र याकडे दुर्लक्ष केले. जर सद्भावच्या वेब्रिजमध्ये काही अडचण नाही तर ते वाहनांची इतर वेब्रिजवर मोजणीस का तयार नाही, ही बाब संशयास्पद वाटते. याबाबत जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना निवेदन दिले आहे. मात्र परिवहन कार्यालयानेही याबाबत आपले हात वर केले आहेत. देशात वन नेशन वन टॅक्स लागू आहे. गुजरातमध्ये सर्व आरटीओ चेकपोस्ट बंद आहेत. महाराष्ट्रातच अट्टाहास का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. वाहनांची तपासणी व्हावी, मात्र या अन्यायकारक कारभाराविरोधात न्यायालयात जाणार असून आंदोलनाचा पवित्रा घेत पुराव्यांशी भांडाफोड करू, असा इशारा गुजरात ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन व्यापाऱ्यांनी दिला आहे. या संदर्भात सद्भाव इंटरप्राइजेसचे मॅनेजर यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. काय म्हणतात मॅनेजर, जाणून घेऊयात. मी MG दादल, महाराष्ट्र बॉर्डर चेकपोस्ट नेटवर्क लिमिटेड ऑपरेशन हेड. आज मैंने एक खबर सुनी है, नवापुर में बॉर्डर चेकपोस्ट में सद्भाव वाले लूट रहे हैं. तो इसके बारे में मैं एक सफाई देना चाहता हूँ. हर एक वेब्रिज के कैलिब्रेशन हो के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हर एक वेब्रिज के एक एक सर्टिफिकेट देते हैं हमको कैलिब्रेशन करने के बाद. तो ये सर्टिफिकेट हमारे पास है. दूसरा, हमारे पास सबसे ज़्यादा वेब्रिज का यूज़ होता है, इसके कारण हम लोग अलर्ट रहते हैं और हर 1.5 महीने में एक बार हम उसका फिक्स स्टैंडर्ड वेट रख के कैलिब्रेशन करते हैं हम लोग. तीसरा, हर वीक में एक बार एक गाड़ी को हायर करके उसको हर एक वेब्रिज पर हम लोग घुमाते हैं ताकि वेरिएशन का पता चले इसमें. तो ये लूटने का तो सवाल ही नहीं उठता कुछ भी, किसी न किसी की गलत फहमी है ये. रहा दूसरा सवाल, ये लोग बोलते हैं कि ट्रक एक लाइन चलती है, दो लाइन चलती है. हम ट्रैफिक के हिसाब से लाइन चलाते हैं, बढ़ाते हैं. हमको स्टाफ का कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे. जैसे जैसे लाइन बढ़ती है ऐसे हम लोग तो हम लोग लाइन बढ़ाते रहते हैं हम लोग. और ये लाइन जैसे हमारे पास 12 वेब्रिज है, हम क्यों कसर करें इसमें? तो ये किसी न किसी नहीं, किसी की गलत फहमी है ये. नवापूर सीमा तपासणी नाक्यावरील लूट थांबवण्याबाबत कोणत्याही सरकारला यश आलेले नाही. हे अजूनही नवापूर सीमा तपासणी नाक्यावर काही आरटीओ अधिकारी व पंटरांमार्फत सर्रासपणे वाहन चालकांची लूट केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ब्युरो रिपोर्ट, नवापूर एक्सप्रेस न्यूज, नवापूर.